Object-oriented style, very popular one, or we all familiar with that. So, starting from the top, components are objects. Object-oriented style में जो component होंगे, जो भी application के component होंगे, उन्हें हम as a object treat करेंगे, चाहे वो कोई भी हो. Components will always be treated as objects. और उनमें हो क्या क्या? Data and associated operation. ऑब्जेक्ट एक चीज है, वो किससे मिलके बनी है? नंबर वन, इट हैज द डाटा, इसमें डाटा है, ठीक है, और डाटा के साथ साथ उस डाटा से एसोसिएटेड जितने भी ऑपरेशन है वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमसे मिलके बना. यानी ऑब्जेक्ट जो कंटेनर है उसके अंदर ये दो चीजें हैं, डाटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशंस. नेक्स्ट बुलेट पॉइंट, कनेक्टर्स आर मैसेजेस एंड मेथड इनवोकेशन. लेकिन अगर एक एप्लीकेशन यकीनन एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स या ऑब्जेक्ट से मिलके बनती है, ठीक है, अगर वो इंडिपेंडेंटली अगर सक्सेसफुली डिज़ाइन भी हो गए, कंपाइल भी हो गए, लेकिन जब तक वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे एप्लीकेशन की ओवरऑल फंक्शनैलिटी कन्वे नहीं होगी. तो इन ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश दैट वी नीड कनेक्टर्स. कनेक्टर क्या करेंगे? उन्हें कंबाइन करेंगे. कनेक्टर पर इंशाल्लाह हमारा एक पूरा चैप्टर है, बट फॉर नाउ वी कैन से कि डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स या कंपोनेंट्स को हम प्रोसीजर या मेथड कॉल के जरिए से हम कंबाइन या ज्वाइन कर सकते हैं. अब एक चीज जहन में रखें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो हमने पहला बुलेट पॉइंट है कि कंपोनेंट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल में हम कंपोनेंट्स को ऑब्जेक्ट कहते हैं और उसमें डाटा और एसोसिएटेड ऑपरेशन होते हैं. ये चीज जहन में रखें कि डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन टाइप, डाटा और किसी भी ऑब्जेक्ट के डाटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशन चेंज होते हैं. I say it again कि depending on the application type, किसी भी object के data and associated operation वो change होते हैं. For example, if we are considering CU online application, CU online application के multiple objects हो सकते हैं. For example, student. Second is faculty. Third is admin. यकीनन student का जो है वो data and associated operation, like say, अगर हम CU online की बात करें, CU ऑनलाइन, सी ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो सी ऑनलाइन में एक क्या है, एक ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट का, जिसे मैं एस टी और डी के नाम से डिनोट कर रहा हूँ. अब स्टूडेंट जो है उसका जो है डाटा और एसोसिएटेड ऑपरेशन वो डिफरेंट होंगे. फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट का डाटा क्या हो सकता है? स्टूडेंट का डाटा क्या हो सकता है? स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ. और इसी डाटा के कॉरेस्पॉन्डिंग एसोसिएटेड ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है? स्टूडेंट रजिस्टर कर सकता है. स्टूडेंट क्या कर सकता है? स्टूडेंट अपनी कोर्स रजिस्टर कर सकता है, स्टूडेंट फी पे कर सकता है, स्टूडेंट लाइब्रेरी से बुक बोरो कर सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. फाइन, बट एट द सेम टाइम इफ वी हैव एन इन्वेंट्री सिस्टम को लेट से मैं डिनोट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे यूजिंग आई, ठीक है, आई एम एंड वी, इन्वेंट्री सिस्टम. अगर हम इन्वेंट्री सिस्टम की बात करें तो इन्वेंट्री सिस्टम का एक पॉसिबल ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? आइटम, जिसको मैं डिनोट करने की कोशिश कर रहा हूँ आई और टी के साथ. लेट्स ट्राई टू राइट डाउन एम एज वेल. गुड, अगर हम आइटम की बात करें तो आइटम का डाटा क्या हो सकता है और एसोसिएटेड ऑपरेशन क्या है? आइटम के डाटा में दो तीन चीज़ें हो सकती हैं मिनिमम. आइटम का आईडी हो सकता है, आइटम का नेम हो सकता है, आइटम का मैन्युफैक्चरर हो सकता है, ठीक है, और आइटम का कोई ना कोई एसोसिएटेड ऑपरेशन भी हो सकता है. आइटम को हम लेट से सेल कर सकते हैं, आइटम को हम परचेज कर सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इसी तरह अगर हम किसी एम्प्लॉय पे रोल बेस्ड सिस्टम की बात करें तो पे रोल सिस्टम के पॉसिबल ऑब्जेक्ट एंड एसोसिएटेड डेटा ऑपरेशन क्या हो सकते हैं? वेल, एम्प्लॉय कैन बी वन, यू नो, पॉसिबल ऑब्जेक्ट ऑफ द पेरोल सिस्टम. इवन सैलरी कैन बी अ पॉसिबल ऑब्जेक्ट ऑफ अ पेरोल सिस्टम. तो पेरोल सिस्टम में अगर लेट्स से इफ यू से एम्प्लॉय इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उसका डेटा और एसोसिएटेड ऑपरेशन क्या होंगे? डेटा अगेन लाइक एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, एड्रेस, और एसोसिएटेड ऑपरेशन क्या हो सकते हैं? एम्प्लॉय जो है वो सैलरी को गेट कर सकता है, एम्प्लॉय जो है वो लीव पे जा सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ.
तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द एप्लीकेशन, ऑब्जेक्ट के नाम उनकी टाइप वेरी करती है, डेटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशन वो भी वेरी कर सकते हैं। बट द थिंग इज थर्ड बुलेट पॉइंट, स्टाइल इन वेरियंट्स, इससे मुराद ये है कि क्या चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल में चेंज नहीं होते हैं? वो क्या है? नंबर वन, ऑब्जेक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इंटरनल रिप्रेजेंटेशन इंटेग्रिटी। इंटरनल जो रिप्रेजेंटेशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो ऑब्जेक्ट देम सेल्फ दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट दैम, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर एक कंटेनर है तो ये ऑब्जेक्ट की इट सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने इंटरनल जो डेटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशन है उसे वो प्रोटेक्ट करे, उसे वो गार्ड करे, उनकी इंटेग्रिटी या तकद्दस का ख्याल रखे। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ फिजिकल वर्ल्ड, ऑब्जेक्ट जो है अपना कोई लॉक तो नहीं लगा सकता है। तो व्हाट वी डू इज एक्चुअली इट इज द रोल ऑफ द डिजाइनर टू प्रोटेक्ट द इंटरनल रिप्रेजेंटेशन और इंटेग्रिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वो हम कैसे करते हैं? वी डू दैट यूजिंग बाई यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर आपको पता है, आई होप पॉसिबली यू नो कि वो तो या पब्लिक होंगे, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड। इंटरनल सेकेंड इज इंटरनल रिप्रेजेंटेशन इज हिडन फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट। यकीनन अगर ऑब्जेक्ट कंटेनर है तो कंटेनर के अंदर सारी चीज़ें कंटेन होंगी और वो बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से वो हिडन होंगी, अनलेस अदरवाइज डिज़ाइनर या ऑब्जेक्ट इट सेल्फ डिसाइड के कौन सी रिप्रेजेंटेशन को हम पब्लिक कर सकते हैं और कौन सी प्राइवेट ही रहेगी। एडवांटेजेस के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल के, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल के सबसे पहले एडवांटेज क्या है? मल्टीपल ऑब्जेक्ट एडवांटेज हैं, वी कैन नॉट मैंशन ईच एंड एवरी हेयर, बट दो मेन हमने यहाँ मैंशन किए हैं। इनफाइनाइट मेलेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटरनल्स, ऑब्जेक्ट की जो इंटरनल्स हैं जिसमें डाटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशन आते हैं वो इनफाइनाइटली मेलेबल हैं। मेलेबल से क्या मुराद है? अगर हम किसी भी चीज़ को ब्रेक किए बगैर, ठीक है, उससे किसी भी चीज़ को अगर हम ब्रेक किए बगैर अगर उसकी शेप को बार बार चेंज कर सकें तो ऐसी प्रॉपर्टी या खासियत को मेलेबिलिटी कहते हैं। इन केस ऑफ अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की मेलेबिलिटी इनफाइनाइट है, जैसे हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उस ऑब्जेक्ट को हम उस चीज़ को इनफाइनाइटली लातादाद दफ़ा उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के दौरान वो हरगिज़ हरगिज़ वो ब्रेकअप ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो कैन गेटिंग बैक टू सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट, तो वी कैन से कि ऑब्जेक्ट जो इंटरनल स्टेट है वो इनफाइनाइटली मेलेबल है, यानी हम जितनी दफ़ा मर्जी चाहें हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा और एसोसिएटेड ऑपरेशन को चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो है वो कभी ब्रेक नहीं करेगा, विच इज़ क्वाइट एविडेंट क्योंकि वो फिजिकल थिंग नहीं है, दिस इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग। दूसरा फ़ायदा, सिस्टम डिकम्पोजिशन इंटू सेट्स ऑफ इंट्रैक्टिंग एजेंट्स, सिस्टम को हम डिकम्पोज कर सकते हैं इंटू अ सेट ऑफ इंट्रैक्टिंग एजेंट, क्वाइट एविडेंट क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मेन जो है वो फिलोसफी यही है कि हम किसी भी एप्लीकेशन को एक जैसे सेपरेशन ऑफ कंसर्न जैसे हम कहते हैं सिमिलर टाइप के कंसर्न में ब्रेक करें, एंड ईच कंसर्न विल कंटेन सिमिलर सेट ऑफ फंक्शनैलिटी, एंड एट द एंड ऑफ द डे हम उसको आपस में कंबाइन कर सकें ताकि हम बिजनेस वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। ऑफ कोर्स अगर किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी लाजमी होंगे, यकीनन होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस में पहला इसका यह है कि ऑब्जेक्ट मस्ट नो आइडेंटिटी ऑफ सर्वर, कि ऑब्जेक्ट को सर्वर की आइडेंटिटी का पता होना ज़रूरी है। यहाँ पे सर्वर का जो वर्ड है दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि इसके दो तरह की मीनिंग, दो तरह की इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं। सर्वर से मुराद अगर हम इसका एक्सप्लिसिट मीनिंग देखें तो ऑफकोर्स सर्वर से मुराद यह है कि सर्वर ऑब्जेक्ट, यानी अगर कोई क्लाइंट ऑब्जेक्ट कोई मेथड इन्वोक करना चाहता है सर्वर पे तो उसे सर्वर ऑब्जेक्ट का मेथड का रेफरेंस पता होना ज़रूरी है। जैसे हम सी ऑनलाइन की बात करें, हम मार्क्स को एक्सेस करते हैं, व्यू करते हैं अपने रिकॉर्ड वगैरह, वो तभी पॉसिबल है क्योंकि क्लाइंट साइड पे हमारे पास उस मेथड की एक्सेस या आइडेंटिटी मौजूद है और सिस्टम हमारे लिए ऑटोमेटिकली उस मेथड को इन्वोक करता है। ये तो एक इंटरप्रिटेशन होगी यहाँ पे सर्वर की। दूसरी इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है कि ज़रूरी नहीं है कि वो फिज़िकल कोई सर्वर हो, डाटा कंटेनर हो या जिसके पास डाटा सेंट्रलाइज्ड हो, ज़रूरी नहीं है वो ऑब्जेक्ट हो, हो सकता है वो कोई डोनर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और उसे भी हम सर्वर के तौर पे, उसे भी हम सर्वर कह सकते हैं। लेट्स से
स्टूडेंट ऑब्जेक्ट विद इन अ सी ऑनलाइन, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्या है कि उसका एक एसोसिएटेड ऑपरेशन क्या है कि पे फी, फी पे करो। लेकिन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट तब ही फी पे कर सकता है जब एडमिन के ऑब्जेक्ट में कैलकुलेट फी का जो है मेथड वो एग्जीक्यूट हो और कोई ना कोई आउटपुट जनरेट करे, तो तब ही स्टूडेंट का पे फी का जो है और मेथड वो इन्वोक या एग्जीक्यूट हो सकता है। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट में पे फी के मेथड के लिए, इसके एग्जीक्यूशन के लिए ये ज़रूरी है कि पहले एडमिन साइड पे कैलकुलेट फी का मेथड एग्जीक्यूट हो, कोई आउटपुट जनरेट करे जिसे स्टूडेंट का पे फी का मेथड यूज़ करेगा। इट मीन्स के स्टूडेंट के पे फी के मेथड का जो सर्वर क्या कौन सा हुआ मेथड हुआ, एडमिन का कैलकुलेट फी का मेथड, ठीक है। तो इन दैट केस ऐसा मेथड को भी हम सर्वर ऑब्जेक्ट या ऐसे ऑब्जेक्ट को भी सर्वर ऑब्जेक्ट कह सकते हैं जिसकी वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है फॉर ओवर एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शनैलिटी। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है इसका, साइड इफेक्ट इन ऑब्जेक्ट मेथड इनवोकेशन। ऑब्जेक्ट मेथड इनवोकेशन में कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, वो कौन कौन से हैं। लेट्स से हमें ना सिर्फ सर्वर की मेथड की आइडेंटिटी का पता होना ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू मेक श्योर कि उसके और हमारे मेथड में कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं है। इनकन्सिस्टेंसी में इंशाल्लाह फ्यूचर पे हमारा एक अच्छा खासा टॉपिक होगा जिसमें ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन बट फॉर नाउ वी नीड टू नो कि ये ना सिर्फ एट द डेवलपमेंट लेवल बट एट द डिज़ाइन लेवल एज वेल ये डिज़ाइनर का काम है कि ये मेक श्योर करे कि जो मेथड हम इन्वोक करने जा रहे हैं क्या वो मेथड उसके नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, सबसे पहले क्या उसका नाम कंसिस्टेंस है, क्या उसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट वो कंसिस्टेंसी है, यानी कि आर्गुमेंट्स का टाइप है क्या वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। सो अगर ऐसा नहीं होगा तो रन टाइम क्या होगा, जो है वो मिस टाइप मिस मैच का एरर जनरेट होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ये बेसिक मॉडल है लूनर लैंडर के हवाले से, जो एग्जाम्पल हम पहले भी एप्लीकेशन में स्टडी कोर्स में स्टडी करते आए हैं। अब इसमें यह है कि जो मेन प्रोग्राम और सब रूटीन स्टाइल से फ़र्क यह है कि इसमें टॉप पे GUI, ठीक है, और लोअर हायरार्की लेवल पे स्पेसक्राफ्ट एंड एनवायरनमेंट सिमुलेशन है, और दीज आर ऑल आर कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्ट। इसमें कोई ना कोई डेटा और एसोसिएटेड ऑपरेशन हर एक का अपने अंदर स्टोर है, एंड दे कैन कम्युनिकेट थ्रू प्रोसीजर कॉल। वो प्रोसीजर कॉल के जरिए से आप उसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ लूनर लैंडर, LL स्टैंड हेयर फॉर लूनर लैंडर, जैसा पहले भी बताया UML में। अगर जो पिछली स्क्रीन पे हमारा जो मॉडल था उसको अगर हम, वो तो स्लाइटली हायर एब्स्ट्रैक्शन पे था, लेकिन इसको हम लो एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे भी मॉडल कर सकते हैं। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग थिंग इज वी हैव UML। UML आई एम श्योर यू आर फेमिलियर विद दिस यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जो कि हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन या मॉडलिंग के लिए यूज़ करते हैं। और UML का एडवांटेज क्या है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड है फॉर बोथ एकेडेमिक्स एज वेल एज इंडस्ट्री। नहीं तो समटाइम ये होता है कुछ चीज़ों को एकेडेमिक्स नहीं एक्सेप्ट करती, कुछ को इंडस्ट्री नहीं करती, और ये चलता रहता है। बट UML इज सच अ स्टैंडर्ड जो कि एकेडेमिक्स के लिए भी उतना एक्सेप्टेबल है जितना कि इंडस्ट्री के लिए। एंड UML आई एम श्योर यू ऑल आर अवेल ऑफ इट कि UML के सर्टन सिंबल है एंड नोटेशन है, और जिसको हम प्रॉपरली यूज़ करके एप्लीकेशन को डिज़ाइन और मॉडल कर सकते हैं। ये मॉडल थोड़ा लो एब्स्ट्रक्शन लेवल पे है। इसमें हमने कहा कि तीन तरह के ऑब्जेक्ट हैं, GUI, एनवायरमेंट सिमुलेशन एंड स्पेस क्राफ्ट। ईच वन ऑफ देम हैव सर्टेन एट्रीब्यूट्स एज वेल एज एसोसिएटेड ऑपरेशन। इट ऑल डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन टाइप एज वेल। ऑफकोर्स जो सी ऑनलाइन का UML बेस्ड मॉडल होगा वो इससे मुख्तलिफ होगा। इसी तरह इन्वेंट्री सिस्टम का जो UML बेस्ड मॉडल होगा और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर स्टाइल, वो भी यकीनन मुख्तलिफ होगा।